नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई क्लास 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 70। आज की दोस्तों आपको जो वर्कशीट है अपने विज्ञान मतलब साइंस की कॉपी में करनी है, और इस वर्कशीट को हम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। पूरी वर्कशीट अच्छे समझने के लिए पूरी वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कीट मींस इंसेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, हम इस वर्कशीट को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ साथ समझते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आपको समझने के लिए पहले पूरी वर्कशीट और वीडियो देखनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशंस देखने के लिए एंड तक टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, बिकॉज़ आज का टॉपिक ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है इंसेक्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे प्रकार के कीड़े होते हैं, जैसे कि आपने तितली, मधुमक्खी, कॉकरोच, चींटी, मक्खी, मच्छर, इन सबको देखा है। तो ये सब क्या है, ये सर एक तरह के इंसेक्ट्स है, कीट है। तो दोस्तों, सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, ठीक है। और उनका जो बॉडी होती है, शरीर होता है, 3 भागों में डिवाइडेड होता है। सर मींस हेड, वक्ष एंड पेट, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड हेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जितने भी कीट होते हैं उनके पास आपने देखा होगा 2 एंटीना होते हैं। ये 2 एंटीना होते हैं, इसका क्या काम होता है कि आसपास के एरिया में से कोई गंध, कोई टेस्ट उनको महसूस होता है, तो उसके लिए ये एंटीना यूज़ करते हैं। कीटों के शरीर के बाहर एक क्या होता है, एक्सटर्नल, हम जिसको बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे अंदर दोस्तों, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। लेकिन जो छोटे छोटे कीट होते हैं, उनका जो कंकाल होता है वो बाहरी कंकाल होता है, जो कि इनको वाटरप्रूफ रखता है। मतलब उसके ऊपर एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिससे कि पानी की बूंदें अगर उनके पे आती है तो वो गीले नहीं होते, उनको प्रोटेक्ट करता है उसका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, जिसको बोलते हैं बाहरी कंकाल, बाहरी कंकाल। तो दोस्तों, ये सुरक्षा के लिए है। कुछ कीटों के पंख होते हैं, तो इसलिए वो उड़ सकते हैं। आपने भी बहुत सारे कीड़ों के पंख देखे होंगे, देखा होगा छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो उड़ते रहते हैं, जैसे कि तितली हो गई, ठीक है, मधुमक्खी, और लेकिन किसी के पंख नहीं होते, जैसे कि हमारी चींटी, चींटी के तो आपने पंख नहीं देखे। तो कुछ के पंख होते हैं और कुछ के पंख नहीं होते हैं। ये जो उनके बाहर के जो लेयर है वो काम क्या करती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करती है, साथ के साथ उन्हें पानी से बचाती है। कुछ कीट उनके पंख नहीं होते, जिनके पंख नहीं होते तो वो क्या करते, नॉर्मल चलते हैं, रेंगते हैं या कूदते हैं या फिर तैरते हैं। और अगर वो तैरते हैं तो उनकी बॉडी गीली नहीं होती, क्यों, उनके बाहर जो स्केलेटन होता है वो पानी से उनको बचाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो कीट है, इंसेक्ट है, उसके लाइफ साइकिल क्या है, जीवन प्रक्रिया क्या है। पहले वो लोग अंडे देते हैं, वो अंडे बनते हैं लार्वा में, और लार्वा के बाद वो प्यूपा बनाते हैं, और उसके बाद वो बनते हैं एडल्ट, वयस्क, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने कीटों के बारे में जाना है। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखें। तो आप इनमें से किसी भी 2 कीटों के नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका है फर्स्ट का आंसर, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कीटों के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं कीटों के जीवन चक्र में। आपको इन सब के बस नाम लिखने हैं, चित्र नहीं बनाना है। आंसर आपका ये सेकेंड। तीसरा है, कीट के शरीर के 3 भाग के नाम लिखिए। और चौथा है, एक कीट की कितनी टांगे होती हैं। तो दोस्तों, आपको अभी हमने बताया एक कीट की 6 टांगे होती हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो कीट हो है उसके शरीर 3 भागों में होता है, सर, वक्ष और पेट या उदर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए अब हम इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन देख लेते हैं, इनके आंसर सेलेक्ट समझ लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए बॉडी के पार्ट्स ये रहे, सिक्स लेग कौन से मॉस्किटोज हैं, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर फर्स्ट है, नेम एनी टू इंसेक्ट्स, डेट इज़ बटरफ्लाइज, बीज, मॉस्किटो, आंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी दो मॉस्किटोज या फिर इंसेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वट आर द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में चार कौन सी स्टेजेस हैं, एग, लार्वे, प्यूपा एंड अडल्ट, दीज आर द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट्स। ओके देन थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, तो थ्री डिफरेंट पार्ट कौन से, द हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, उसका वक्ष, उसका पेट और उसका सर। ये हो गया उसका सर, तो ये इस तरह से आप इसको एक तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पजेस, एक इंसेक्ट की कितनी टांगे होती हैं, तो दोस्तों एक इंसेक्ट की छः टांगे होती हैं, तो आपका आंसर है सिक्स लेग्स। दोस्तों ये थी आपकी आज की सिक्स सेवन्थ एट क्लास की कॉमन वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 70, डेट 24 सितंबर 2020। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली की वर्कशीट टाइमली मिलती रहे और टाइम पे आप होमवर्क अपना कंप्लीट करते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।